गद्दे के पल्ले के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इस पर नियमानुसार कार्रवाई करके FIR कर दी हमने। हाँ, अजीत खान की गिरफ्तारी हो चुकी है और गाड़ी भी कब्जे में ले ली है। बल्लभगढ़ की नवलू कॉलोनी के समीप एक कार चालक की लापरवाही तीसरी आंख में कैद हुई है, जहां पर कार चालक ने कार को तेज गति और लापरवाही से चलाकर एक कुतिया व उसके छोटे छोटे चार बच्चों के ऊपर गाड़ी चलाकर उनको बेरहमी से कुचल दिया और गाड़ी को लेकर फरार हो गया। जिस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया है। 12/12/2022 को हमारे पास एक दरखास्त आई थी, कृष्ण कुमार ने एक दरखास्त दी थी, कुत्ते के पल्ले के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। अच्छा। उस पर नियमानुसार कार्रवाई करके FIR कर दी हमने। FIR करके कुत्ते का पोस्टमार्टम करा के उसको दाग दे दिया, दबा दिया गया। ये घटना जो है बिस्मिल्ला होटल के साथ में जो है खाली जगह का है, वो रशीद खान के खिलाफ थी। वो रशीद खान भी उसकी उसी कॉलोनी में रहता है। इसमें हम 429 लगाई है, 429 IPC FIR कर दी। हाँ, रशीद खान की गिरफ्तारी हो चुकी है और गाड़ी भी कब्जे में ले ली है। आपको दिखाई दे रही ये CCTV की तस्वीरें 12 दिसंबर की हैं, जिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक पत्थर दिल हैवान गाड़ी को तेज गति से चलाकर सीधा एक कुतिया व उसके चार बच्चों के ऊपर गाड़ी को चढ़ाकर उनको कुचल रहा है, जिसमें एक पिल्ले की मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों ने नामजद वाहन चालक के खिलाफ बल्लभगढ़ वसड्डा चौकी में शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर वाहन चालक पर एनिमल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ आपका कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह की खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल हरियाणा वरदान न्यूज। अगर आप फेसबुक पर इस खबर को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।